हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिचार्ज मैनर। दालें बहुत ही पौष्टिक होती हैं, हमारे शरीर को प्रोटीन देती हैं और खासकर जब हम छिलके वाली दाल यूज करते हैं तो वो उसका गुण और भी बढ़ जाता है। आज मैं आपके साथ छिलके वाली मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको हम थोड़ा सा मसालेदार बनाएंगे, फ्राई करके बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको दाल के, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ कैसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसके साथ सब्जी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस दाल को ही खा सकते हैं। सब्जी और दाल एक में ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना छिलके वाली मसालेदार मूंग की दाल। मूंग दाल छिलका बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल, या फिर आप नाप के लिए चार मुट्ठी भी ले सकते हैं इसको। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो हरे प्याज लिए हैं, इसका ये व्हाइट पार्ट मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है और ये इसकी ग्रीनरी काट के रखी है। चार से पांच कलियां लहसुन की, एक बड़ा खट्टा वाला टमाटर, रिफाइंड ऑयल, जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब्जी मसाला, नमक और पानी लेंगे। तड़के के लिए यहाँ मैंने लिया है देसी घी, एक सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, तीन से चार कलियां लहसुन की बारीक काट कर ली हैं, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। तो सबसे पहले हम ये मूंग दाल को अच्छी तरीके से चार से पांच पानी से धो लेंगे। ये दाल को मैंने तीन से चार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें हम पानी फिल कर रख देंगे और साथ ही साथ इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा देर इसको भिगो कर रखने की जरूरत नहीं है। कुकर गरम हो गया है, इसमें मैंने दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। रिफाइंड के गरम होते इसमें हम एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा तड़क जाए तब इसके बाद इसमें हम हींग डालेंगे, दो तीन चुटकी हींग डाल देंगे, कटे हुए लहसुन भी डाल देंगे साथ में। हल्का सा लहसुन को फ्राई करेंगे, गोल्डन हो जाने देंगे। फिर इसमें कटे हुए प्याज के व्हाइट पार्ट को डाल देंगे, एक से डेढ़ मिनट इसको भी फ्राई कर लेना है। ज्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, ग्रीनरी डाल देंगे साथ में इसकी। आधा सेकंड ग्रीनरी फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसको भी गल जाने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर को गलाने के लिए इसमें हम नमक डाल देंगे पहले ही, जिससे कि इसको गलने में आसानी हो। जितना नमक हमें दाल में चाहिए अभी डाल देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने एक खाने का चम्मच नमक लिया है और थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं, आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो नमक डाल दिया मैंने जिससे टमाटर गल जाए अच्छे तरह से। और अगर आपको खट्टे टमाटर नहीं मिलते हैं तो आप लास्ट में आधा नींबू का रस भी दाल में डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है। यहाँ मैंने देसी टमाटर का यूज किया है जो अपने आप ही काफी खट्टे होते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला मैं डाल रही हूँ और सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। आधा सेकंड इसको भूनना है हमें मसालों को। इसके बाद इसमें हम भीगी हुई दाल डाल देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको बहुत ज्यादा देर भिगो कर रखने की जरूरत नहीं है, मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। मिक्स कर लिया, अब इसमें हम पानी डालेंगे। स्टार्टिंग में जब हमने इसको भिगोया था तो 3/4 ग्लास पानी करीब यूज किया था और यहाँ पर अभी तक 2 ग्लास डाला है, चौथाई ग्लास मैं और डाल रही हूँ उसमें पानी। तो टोटल 3 ग्लास पानी का यूज इसमें हमने कर लिया है बनाने के लिए। अब इस दाल को हम एक सीटी आने पर धीमा कर देंगे गैस को और करीब 8 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद हम कुकर को खोलेंगे। स्टीम निकल जाने के बाद मैंने कुकर को खोला और ये देखिए, ये दाल एकदम सही कंसिस्टेंसी में है। तो सर्व करने से पहले हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं।
एक तड़का पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच घी गरम किया है, इसमें जीरा डाल देते हैं, 1 सूखी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है, थोड़े से कटे हुए लहसुन, इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब थोड़ा सा घी ठंडा हो जाने के बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। दाल हमने सर्व कर दी है और इसको हम धनिया से गार्निश कर लेते हैं और जो तड़का हमने तैयार किया है इसको भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तड़के से इस दाल का टेस्ट बहुत ही निखर कर आता है। आप इस दाल को चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी ये छिलके वाली मूंग की दाल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।